हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितेश ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा बाहर कि चीपेस्ट टैबलेट इन बॉडी बिल्डिंग। आप इसको टैबलेट कह लो या आप इसको आप स्टेरॉयड भी कह सकते हैं। इसको मैं स्टेरॉयड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका यूज़ आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो हमारे समझा टीनएजर्स है वो वर्कआउट और डाइट से ज़्यादा इन चीज़ों में पड़ गए हैं, क्योंकि एक तो स्टेरॉयड बहुत चीप है और ईजिली अवेलेबल है। अब लोग इनको मल्टीविटामिन या फिर ओमेगा थ्री के नाम पर जो टीनएजर्स हैं या जो बिगिनर्स हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं है उनको बेच देते हैं और बाद में उनको सफ़र करना पड़ता है इसके साइड इफ़ेक्ट से। तो गाइज अब बात करते हैं स्टेरॉयड की, या इसको जो टैबलेट है स्टेरॉयड है कुछ भी, इसको कहते हैं डायनाबॉल या आप इसको डी बॉल भी कह सकते हैं। आपने इसका नाम अगर जो इस फिटनेस इंडस्ट्री में है उन्होंने कहीं ना कहीं इसका नाम ज़रूर सुना होगा कि लोग जो पतले लोग हैं वो जब बोलते हैं कि हमें मोटा होना है कुछ होना है, फिर कहीं से वो सुन कर आते हैं कि हमें डायनाबॉल खाओगे तो आप फूल जाओगे, आपका बाइसेप्स बड़े बड़े हो जाएंगे या आपका साइज़ बड़ा हो जाएगा, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी टेम्परेरी इफ़ेक्ट्स है इसके, आप थोड़ी देर के लिए फूल जाओगे या आपके थोड़ी देर के स्ट्रेंथ आ जाएगी, ये सिर्फ टेम्परेरी है। जो लेटर इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इससे भी ज़्यादा बुरे होते हैं, इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो गाइज़ मैं बात करता हूँ ये हमारी बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, मतलब कि जो हमारे साइड इफ़ेक्ट्स है इसके बेनिफिट्स है वो मैं आपको सब बताता हूँ। हाँ, जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं दिखता कैसा है या कैसा होता है तो मैं उनके लिए पिक डाल दूँगा इधर स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। और आप थोड़ा केयरफुल रहिए, जो जिम जाते हैं जिन्होंने अभी जिम शुरू करा हुआ है, कि इन चक्रों में ना फंसे। तो पहला इसका चलो आपको मैं बेनिफिट्स शुरू करता हूँ कि लोग इसको लेते क्यों हैं। पहला बेनिफिट है ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, मतलब कि अगर आप कहीं बेंच प्रेस अगर सपोज़ आप 100 kg कर रहे हैं, डेडलिफ्ट आप 150 kg कर रहे हैं, स्क्वाट आप 150 कर रहे हैं, तो इसको खाने के बाद आपका हर एक चीज़ आपका बेंच हो आपका स्क्वाट हो आपका डेडलिफ्ट हो वो ऑलमोस्ट 20-30 kg आप ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर सकते हो। जो आपका साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, आप थोड़े ह्यूज लगोगे। और ये असली में काम ऐसे करता है जब आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो ये वाटर होल्ड करने लग जाता है और जो आपके मसल है उसको टोन करता है थोड़ा सा, मतलब कि जो आपके बॉडी फैट जो एक्स्ट्रा फैट लेयर्स है उसे ख़त्म करेगा, जो आपका मसल को थोड़ा टोन करेगा तो और आपके बॉडी में वाटर होल्ड करता है जिससे आपकी बॉडी थोड़ी बड़ी दिखती है। और इसको खाने के बाद आप एक अच्छा वर्कआउट कर सकते हो, आप एक हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर सकते हो, मतलब कि जैसे कोई लोग प्री वर्कआउट लेते हैं, अगर आप ये ले रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक वैसी एक स्ट्रेंथ अंदर से फील होगी, एक अंदर से ऐसा मोटिवेटेड सा फील होगा कि आप हैवी लिफ्ट कर सकते हो। तो अब आपको लग रहा होगा कि इतने अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं तो हम क्यों ना लें या इसमें बुराई क्या है जब हमें इतना बेनिफिट दे रहा है, पर जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स है वो इससे भी ज़्यादा बुरे हैं। अगर हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की तो इसका पहला साइड इफ़ेक्ट है कि जो आपके फेस है आपके चेस्ट आपके बैक है उस पर एक्ने हो जाएंगे। ये वो सिंपल एक्ने नहीं है जो मतलब कि नॉर्मल में होते हैं, ऐसे एक्ने हो जाएंगे कि आप अच्छी तरह बैठ भी नहीं पाओगे। जब कभी बैठोगे आपकी जो बैक टच होगी कहीं पर तो आपको पेन होगा, आप अपना फेस अच्छी तरह वॉश नहीं करवाएंगे। और इन एक्ने को ठीक होने में आपको किसी को साल, किसी को 2-3-4-5 साल लग जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में तो ले लेते हैं कि भाई हमें हैवी लिफ्ट करना है, हमें बॉडी बनानी है, फिर बाद में जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे इनको सफ़र करना पड़ता है। और दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स का ये है कि जो मैक्सिमम जो मेल्स होते हैं उसमें देखा जाता है कि जो उनको गाइनो की प्रॉब्लम हो जाती है, जो मेल्स कहते हैं हमें मैन बूब्स हैं, जो हमारी चेस्ट है उस पर एक्स्ट्रा फैट आ गया है, और अगर वो उसके बाद भी ये ले रहे हैं बॉडी बनाने के लिए तो लेटर ऑन उनके यहाँ पे चेस्ट पे एक्स्ट्रा फैट कलेक्ट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जिसके कारण आगे उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, जैसे गायनो की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको पेन होने लग जाएगा यहाँ पे आपको एक कुछ हार्ड सा कुछ बन जाएगा, जैसे हम बोलते हैं ना एक स्वेलिंग टाइप हो जाएगी वहाँ पे। तो इसके ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेटर ऑन आपका वेट जहाँ बढ़ रहा होगा वहीं पर कम हो जाएगा, जो आपने मास गेन किया होगा आपने इतना बड़ा साइज़ बनाया होगा वो सारा एकदम से ढीला पड़ जाएगा, मतलब कि जो आपके बाइसेप्स होंगे वो बिल्कुल ऐसे ढीले पड़ जाएंगे, आपकी स्किन बिल्कुल लटकने लग जाएगी, लूज हो जाएगी स्किन आपकी। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स है। इसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स है डिटेल में, जो ये तो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, इसके माइनर साइड इफ़ेक्ट्स भी है जो इंटरनली आपको जैसे जो आपके ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, जैसे आपका लीवर है, जब आप टैबलेट लोगे तो डेफिनेटली इस टैबलेट को आपके लीवर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, अगर आपको आपके लीवर के थ्रू ही पास होगी, जिसके कारण है अगर आप हाई डोजेज में ले रहे हो तो लेटर ऑन इसके इफेक्ट्स ये होंगे कि जो आपका लीवर है वो जो यूज़फुल जूसेस होते हैं जो रिलीज़ करता है हमारे डाइजेशन के लिए वो करना बंद कर देगा, तो इससे आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम आएगी।
एक तरह से कह सकते हैं कि आपका लीवर पूरी तरह डैमेज हो जाएगा एक टाइम पर आने के बाद। इसके और भी कई साइड इफेक्ट्स हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक डाल दूंगा जहाँ से जिस आर्टिकल से मैंने पढ़े हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ पर जाके इसके बारे में अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ये किसको यूज़ करने चाहिए। अगर आप सिर्फ जिम जाते हो अपने आपको फिट रखने के लिए या अपने आपको हेल्दी रखने के लिए, तो डेफिनेटली इसका यूज़ कभी नहीं करना। और आप अगर आपको बॉडी अच्छी बनानी है, आप बॉडी तो अपनी नेचुरल डाइट से भी बना सकते हो अच्छी, चाहे जो आपके घर में खाना है, जो सारा जो आपके सारे डाइट है जिससे आपकी बॉडी बनेगी, वो सारा आपके किचन में होगा। जो आपकी रोटी हो गई, जो आपके राइस हो गए, आपके पोटैटोज हो गए, पनीर हो गया, चिकन हो गया, जो आपके एग्स हो गए, सोया चंक्स, चने, इतने सारे सोर्सेज है बॉडी बनाने के, फिर शॉर्टकट क्यों मारना है। हाँ, अब बात कर सकते हैं कौन ये ले सकता है। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में घुसना चाहते हो या आप स्टेज पर कम्पीट करना चाहते हो या आपका ड्रीम है कि हाँ मैं बॉडी बिल्डर बनूँ, मैं स्टेज पर कम्पीट करूँ, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जा सकते हैं। तो क्योंकि इसके बिना आप कम्पीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक ना एक टाइम पे आके आपको स्टेरॉयड लेने ही पड़ेंगे अगर आपने कम्पीट करना है एक अच्छे लेवल पे, क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डर्स के लिए उतनी स्पेस नहीं है वहाँ पे, उतना इतना ज़्यादा हाई कंपटीशन होता है कि नेचुरल बॉडी बिल्डर कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगा उनके सामने, तो इसलिए आपको स्टेरॉयड लेने पड़ते हैं। आप अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर कोच होना चाहिए। डायनाबॉल खाली नहीं लेते, डायनाबॉल के साथ और भी बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं स्टेरॉयड के, जिनको लेटर ऑन वॉश आउट कर दिया जाता है बॉडी से। आप खाली डायनाबॉल लोगे तो आपका टेस्टोन लेवल ब्लू ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ हमें टेस्टोन बूस्टर लेना पड़ता है। तो हमें सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है, जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट्स होते हैं, अगर आप उनकी इनसे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको पता है कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ लेनी है, किससे ऐसी कौन सी चीज़ लेंगे जिससे हमारे जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो हमें ना हो पाए। तो अगर आप लेना चाहते हो तो, अगर आप डेफिनेटली कम्पीट कर रहे हो तो आप ले सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और नेचुरल है, मैं उनके लिए उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टेरॉयड में ना पड़े। आप अगर आपको सप्लीमेंट ही लेना है तो आप एक वे प्रोटीन ले सकते हैं या एक क्रिएटिन ले सकते हैं साथ में, जो कि आपके लिए बहुत होगा और एक उससे भी आप अच्छी बॉडी अचीव कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जो आपके फ्रेंड्स जो जिन्होंने अभी जिम शुरू करा हुआ तो उनसे ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो इस चक्कर में ना पड़े और उनका कोई नुकसान ना हो।